हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सेन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। चॉकलेट कई तरीके से बनाई जाती है। आज हम बनाएंगे इसको डार्क कंपाउंड और जो व्हाइट कंपाउंड होता है उससे। देखिए कितनी बढ़िया शाइन कर रही है और कितनी प्यारी दिख रही है। बनाना सच में बहुत ही आसान है। बच्चों को आप इस तरीके से किसी भी ओकेजन पर बनाकर खुश कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस छोटी सी रेसिपी को फटाफट देख लेते हैं। होममेड चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पे मैं कंपाउंड का यूज़ करूँगी। कंपाउंड बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, सुपर मार्केट में मिल जाएगा। तो ये इस तरीके का कंपाउंड अंदर निकलेगा। इसमें डार्क कंपाउंड है और एक वाइट कंपाउंड है, जो कि इस तरीके का, ये देख, इस तरीके का ये वाइट चॉकलेट है। वाइट कंपाउंड के नाम से इसको जानते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट को नाइफ से कट कर लिया है। जैसे भी छोटा बड़ा जैसे भी आप कट कर सकते हैं वैसा कर लीजिए। इसी तरीके से मैंने व्हाइट चॉकलेट को भी कर लिया है। बस ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप चॉकलेट का यूज़ करना है, कंपाउंड का यूज़ करना है, तो आपकी वो चॉकलेट फ्रिज में नहीं होनी चाहिए। फ्रिज के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी तो बहुत ही अच्छे से आप इसको कट कर सकेंगे और बहुत ही अच्छी चॉकलेट भी बनेगी। मैं यहाँ पर चॉकलेट बनाने के लिए सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ करूँगी और ये थोड़ा सा ज़्यादा रेट में आता है। प्लास्टिक का भी एक मोल्ड आता है जो कि इस तरीके से आता है, इसका प्राइस काफ़ी कम होता है। तो आप ये दोनों ही चीज़ें मार्केट में आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास, आप चॉकलेट बनाना चाहते हैं, तो जो आइस ट्रे होती है ना, जिसमें क्यूब्स हम जमाते हैं आइस के, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट जो लाते हैं, बिस्किट का जो ऊपर पॉलिथीन का एक रैपर होता है ना, इसी तरीके से हार्ड पॉलिथीन में रहता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं या प्लास्टिक की बाउल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक बाउल लिया है बड़ा सा, कोई भी आप पैन ले लीजिए, उसको हाफ से भी थोड़ा कम मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि जो भी हम इसके ऊपर बाउल रखेंगे वो पानी को टच नहीं करना चाहिए। इस तरह का बाउल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टील का कोई बाउल है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से इसको रख रही हूँ और इससे पानी बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको एक बाउल का यूज़ करना है। देखिए पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। इसके ऊपर हम एक माइक्रोवेव सेफ बाउल रखेंगे इस तरीके से, और जो हमने डार्क चॉकलेट लिया है उसको भी इसमें डाल देंगे। तो ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो पानी गर्म हो रहा है ना बस उसके ही साथ में। और हमें इस तरीके से स्पैचुला से इसको हिलाते रहना है, जिससे कि ये हीट पाकर थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चॉकलेट देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। बस इसी तरीके से आप इसको हल्का हल्का स्टर करते रहिए, तो ये चॉकलेट एकदम से स्मूथ हो जाएगी और इसमें लम्स भी नहीं रहेंगे। तो इसको प्रोसेस को आप ज़रूर करें, और ध्यान रहे कि चॉकलेट के पीसेस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। अगर बहुत बड़े पीसेस होंगे तो फिर वो मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। इस प्रोसेस में आप गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, और स्लो फ्लेम पे ही हम अपनी चॉकलेट बनाकर रेडी कर लेंगे। इसको मेल्ट होने में सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, 1 से 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। और ये देखिए चॉकलेट कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। बस इसको स्टर करते रहिए, जितना आप अच्छे से स्टर करेंगे उतनी ही ग्लॉसी हमारी चॉकलेट बनकर रेडी होगी। देखिए इसको मैंने अच्छे से स्टर कर दिया और इसमें देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, कितना साइन। चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। ये हमने मोल्ड लिया है और स्पून की हेल्प से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट हम इसमें फिल कर देंगे इस तरीके से। को हल्का सा इस तरह से टैप कर दीजिए, जिस ये देखिए ऊपर से पूरा सेट हो गई अच्छे से। बस अब हम व्हाइट चॉकलेट भी बना लेते हैं। पानी देखिए अभी गर्म है, तो सेम जो पैन था उसके ऊपर हम एक अलग बाउल रखेंगे और जो व्हाइट हमने जो कंपाउंड था उसको इसके ऊपर डाल देंगे। इसको भी स्टर करते रहेंगे, पानी की हीट जो आएगी उससे भी मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए कितनी ग्लॉसी हो गई है। बस ध्यान रहे कि आप इसको ओवर कुक ना करें। ओवर कुक होने से क्या होता है, जो व्हाइट वाली चॉकलेट होती है बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा अगर ओवर कुक कर देंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत कड़वा सा हो जाएगा। और बस हम चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं।
सेम मोल्ड में जो खाली हैं ये भाग, इनमें हम व्हाइट चॉकलेट डाल देंगे। स्पून में थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट लेंगे और इसमें इसे ड्रिजल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा जब चॉकलेट इस तरह से जाएगी और इसके ऊपर जब हम डार्क कंपाउंड डालेंगे तो बहुत अच्छा डिजाइन बनकर आएगा। दोनों चॉकलेट जब मिक्स करेंगे ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसको फिल कर दिया है। और आप इसको अगर यहाँ पे ही रूम टेम्परेचर पे ही सेट करना चाहते हैं तो भी ये 1 या 2 घंटे में सेट हो जाएगी, नहीं तो आप 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, इसको तुरंत हम बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने एक ट्रे में रखा था जिसे कि रखने में आसानी होगी, क्योंकि ऐसे अगर डायरेक्ट रखेंगे तो ये अप डाउन हो सकता है। और इनको देखिए कितने अच्छे सेट हो गई हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चॉकलेट बनकर रेडी हुई है। ये देखिए चॉकलेट्स की साइन देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट बनकर रेडी हुई है, और बहुत ही कम एफर्ट में बनकर रेडी हो जाती है। कोई भी शेप का आप मोल्ड लीजिए, कोई भी डिजाइन बनाइए, बच्चे खुश हो जाएंगे। और इन सभी को इसी तरीके से निकाल लेते हैं। सिलिकॉन मोल्ड की वजह से देखिए कितना अच्छा है, इसको निकालना बहुत ही आसानी से निकल आती है। ये देखिए डिजाइन वाली भी चॉकलेट कितनी अच्छी आई है, बहुत ही बनाना आसान है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।